सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अफगानिस्तान की बात करते हैं, जहां की राजधानी काबुल में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को ढेर कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के लिए कहा है। अमेरिका को आशंका है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। वहीं पेंटागन की ओर से दावा किया गया है कि तय टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि काबुल ब्लास्ट में अमेरिकी सैनिकों समेत अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि हम हमला करने वाले आतंकियों को नहीं बख्शेंगे। तो आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं और अमेरिका का दावा है कि उसने काबुल एयरपोर्ट पर हमले का बदला ले लिया गया है। मुख्य साजिशकर्ता को भी ढेर कर दिया गया है। पेंटागन ने एयर स्ट्राइक की जानकारी दी और स्पष्ट तौर पर यह दावा किया कि इस पूरे हमले का काबुल धमाकों का जो मास्टरमाइंड है उसे मार गिराया गया है। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी भी जारी की है और कहा है कि एयरपोर्ट के एरिया से या उसके गेट से दूर रहें। अमेरिका ने यह भी आशंका जताई है कि दोबारा भी काबुल एयरपोर्ट पर हमला हो सकता है। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला किया गया और तालिबान ने कहा कि आईएसआईएस के आतंकियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वहीं अब अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम के जवाब में आईएसआईएस पर ये एयर स्ट्राइक की, काबुल धमाकों के जवाब में अमेरिका की ये एयर स्ट्राइक जिसमें मुख्य जो साजिश करता है मास्टरमाइंड उसे ढेर करने का दावा अमेरिका की ओर से किया गया है। अमेरिका के आईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने ड्रोन से ये हमला किया है और इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो आतंकी हमला किया गया उसके मास्टरमाइंड को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला किया गया जिसमें कई बच्चों समेत अन्य नागरिक भी मारे गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने की बात कही है। साथ ही साथ अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें। आशंका यह भी जताई जा रही है कि एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से ये हमला किया गया उसके बाद अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो इस हमले का जवाब ज़रूर देगा और अब आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन हमला करके अमेरिका ने इसका जवाब दे दिया है और ये भी दावा किया है कि इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड था उसे ढेर कर दिया गया है। नंगरहार में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से ये एयर स्ट्राइक की गई है। काबुल ब्लास्ट का ये अमेरिकी जवाब माना जा रहा है। पेंटागन ने एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। पेंटागन ने कहा है कि काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा जा चुका है। हालांकि अमेरिका ने यह भी आशंका जताई कि एक बार फिर से हमला हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञ राजीव कादियान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बहुत स्वागत है आपका एमएचएन प्राइम में। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, काबुल में जिस तरीके से हमला किया गया उसके बाद अब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया है और एयर स्ट्राइक की गई है, कैसे देख रहे हैं आप? हालात बड़े कंफ्यूज हैं। अमेरिका के दावा की कंफर्मेशन चाहिए अभी, लेकिन ये हमला शायद तालिबान की रजामंदी से नहीं हुआ था, क्योंकि उनके भी काफी लोग मरे हैं। ये आईएस जो फैक्शन है इस्लामिक स्टेट का खुरासान, उसने ये हमला किया है। हो सकता है कुछ तालिबान के लोग भी उनके साथ मिले हुए हों, जिन्होंने सिक्योरिटी से इस वेस्ट वाले जिसने वेस्ट पहनी थी एक्सप्लोसिव के आने दिया हो,
वो तो हमेशा होता है, तालिबान कोई ऐसे डिसिप्लिन्ड फोर्स नहीं है कि हर आदमी उसका मानेगा, तो हो सकता है वो, लेकिन तालिबान जैसे हम समझते हैं जो कि सत्ता में आने वाले हैं वो शायद इस हमले में इन्वॉल्व नहीं थे। अभी 3-4 दिन बाकी हैं, हमला ऐसा और भी हो सकता है, बहुत सतर्कता की जरूरत है। अमेरिका का दावा है कि उन्होंने काउंटर अटैक में उस मास्टरमाइंड को मारा है, उसकी अभी पुष्टि बाकी है। राजनाथन जी, लेकिन क्या ये भी माना जाए, अमेरिका ये भी आशंका जता रहा है, ये भी कह रहा है कि दोबारा से हमला हो सकता है, तो क्या अब जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, बदले की ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी क्या, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात पहले से ही बेहद खराब है, ऐसे में अब एक बार फिर से अमेरिका ये आशंका जता रहा है कि एक बार फिर से हमला हो सकता है और यकीनन फिर उस हमले का जवाब भी दिया जाएगा? हमला हो सकता है क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी तो कुछ दिन बाकी है, अमेरिकन ने अपना इरादा जाहिर किया है कि वो इवैक्यूएशन जारी रखेंगे, तो खतरा अभी भी है, लोग अभी भी एक्सपोज्ड हैं। अमेरिका चाहता है कि जो उनके सपोर्टर थे अफगानिस्तान में जिन्होंने उनकी मदद की थी पिछले 20 साल में, उनको भी ले जाया जाए, वो अभी मुमकिन नहीं लगता कि 31 तक वो कर पाएंगे। 31 के बाद अगर उनको ले जाने की कोई प्लान है, अमेरिका ने दुर्भाग्य से उनकी लिस्ट भी दे दी है तालिबान को कल, ये अमेरिका भी जानता है कि वो लिस्ट देना गलत था, लेकिन ये उनकी मजबूरी है, अभी और कुछ नहीं कर सकते। तो तालिबान जिनको ढूंढ रहे हैं टारगेट करने के लिए, जिन्होंने अमेरिका की मदद की थी, उनकी तो रेडीमेड लिस्ट अमेरिका ने दे दी है जो कि एक खतरे की घंटी है, पर अमेरिका की मजबूरी है, वो अपने सिटीजन को पहले निकालना चाह रहा है वहां से। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन बातों को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो भी जानकारी यही दे रहे थे और आशंका भी यही जताई जा रही कि एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया जा सकता है, हालांकि इससे पहले किए गए हमले का अमेरिका ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।